वेलकम फ्रेंड्स टू एजुकेशन जॉब लाइन। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन को लेकर। ये प्रश्न जर्नल साइंस और करंट अफेयर्स से लिए गए हैं और दोस्तों ये वे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो के नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में इस घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की अपडेट्स समय से मिल सके। तो चलो दोस्तों अब शुरू करते हैं टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। प्रश्न नंबर एक है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर है तांबा। तांबा मिश्र धातु नहीं है और बाकी तीनों यहाँ पे आपके मिश्र धातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, तो राइट आंसर है आपके कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीतल निम्न की मिश्र धातु है, तो पीतल आपके तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है। यह प्रश्न दोस्तों काफी बार रिपीट होता है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो पीतल आपके तांबा व जस्ता की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जंग लगने पर लोहे का भार, तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर होगा यहाँ क्रोमियम और निकिल को। क्रोमियम और निकिल मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ये दोनों ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर है कांसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, राइट आंसर है एल्यूमिनियम। यह प्रश्न भी एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। कांच निम्नलिखित का मिश्रण है, तो यहाँ पे कांच आपके बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। और अत्यधिक आघात वर्ध्य धातु कौन सा है, तो अत्यधिक आघात वर्ध्य धातु यहाँ आपके सोना है। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और दोनों ही प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है, तो पारा आपके सिनेबार से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो लेड शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलोह धातु है, तो यहाँ राइट आंसर होगा आपके एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और काफी बार पूछा गया है कि श्वेत फास्फोरस रखा जाता है, राइट आंसर होगा पानी के अंदर। श्वेत फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है क्योंकि खुला छोड़ने पर इसमें आग लग जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे स्ट्रेजिक धातु कहते हैं, तो राइट आंसर होगा टाइटेनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है, तो सूर्य में हाइड्रोजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में है। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है, तो राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल का। अगला प्रश्न सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ राइट आंसर होगा आपके हाइड्रोजन गैस। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, इस प्रश्न को आपको याद रखना है, काफी बार यह पूछा गया है। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हर एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से याद करते रहें। अगला प्रश्न है यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कि सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग होता है, राइट आंसर है आपके उष्मक की कुंडली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है, राइट आंसर है आपके अल्फा एवं बीटा कण को। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टोरेज संचायक बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है, तो राइट आंसर है सीसा। अगला प्रश्न है घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है और यहाँ पे राइट आंसर होगा आपके किलोवाट प्रति घंटा यानी यूनिट के अंदर।
अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा विखंडन। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी हुई होती है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। ये दोनों ही प्रश्न काफी बार रिपीट होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादपों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो सबसे अधिक प्रोटीन आपके सोयाबीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक शर्करा का उत्पादन होता है। राइट आंसर है गन्ने के तनों से। ये भी दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है और काफी बार घुमाकर भी पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है कि व्यापारिक शर्करा का उत्पादन गन्ने से होता है। फरोला पौधे के किस भाग से हींग प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर है तने से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का स्रोत आपके यहाँ पे आंवला है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझी जाने वाली प्रजाति कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त प्रजाति आपके ए मेलिफेरा है। यहाँ पे राइट आंसर आपके एक होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध शहद सुरक्षित रह सकता है? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। हजारों वर्षों तक शुद्ध शहद को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये भी दोस्तों काफी बार पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेशम कीट पालन का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है? तो राइट आंसर है आपके चीन के अंदर। सर्वप्रथम चीन के अंदर रेशम कीट का पालन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सड़क दुर्घटना में घायल रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति को निम्न में से किस रुधिर वर्ग का रक्तदान कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपके राइट आंसर होगा केवल ओ का। तो ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को केवल ओ रक्त समूह का ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है, यानी ए बी समूह वाले व्यक्ति को किसी भी समूह वर्ग का रक्त चढ़ाया जा सकता है। तो ओ को सर्वदाता और ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट, भोजन में लोह तत्व की कमी से होने वाला रोग है? तो राइट आंसर है एनीमिया, यानी खून की कमी। नेक्स्ट प्रश्न है, एनीमिया का लक्षण है? तो एनीमिया का लक्षण है आपके उपरोक्त सभी, थकावट, भूख में कमी और कमजोरी। नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आरएच कारक की खोज कौन से जंतु पर की गई थी? तो आरएच कारक की खोज रिसस बंदर पर की गई थी। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। ये दोनों ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं और काफी बार रिपीट होते हैं, तो आपको इन दोनों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका आपके माइक्रोप्लाज्मा होती है। सदैव शुद्ध रुधिर परिसंचरण करता है? तो सदैव शुद्ध रुधिर आपके धमनियों के अंदर बहता है। अगला प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। राइट आंसर होगा यकृत एवं पलीहा में। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में आपके केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी में आपके केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में आपके केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों सभी प्रश्नों को याद करते रहें, प्रत्येक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? राइट आंसर है आपके फ्लोराइड। फ्लोराइड को टूथपेस्ट में मिलाया जाता है दांतों के क्षय को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है आपके इम्पोर्टेंट है,
खसरा रोग का कारक क्या है? तो खसरा रोग का कारक आपके विषाणु है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ल्यूकेमिया के नाम से। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो दोस्तों ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसका आंसर आपको खुद को देना है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। अगला प्रश्न है, मियादी जबर किस कारण होता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे जीवाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडीज एजप्टी मच्छर के कारण। लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो? राइट आंसर होगा विटामिन डी की कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। दोस्तों आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।